आजादी के वक्त का एक रेड टिकट वायरल हो रहा है। ये टिकट पाकिस्तान के रावलपिंडी से अमृतसर के बीच यात्रा का है। ये टिकट 9 लोगों के लिए जारी किया गया था। सोशल मीडिया पर इतने पुराने टिकट और कीमत को देखकर लोग हैरान हैं। पूरी रिपोर्ट जानने के लिए देखिए वीडियो। उस समय 9 लोगों के टिकट के लिए सिर्फ 36 रुपए और 9 आना वसूले गए थे। लोग आज की तारीख में टिकट की कीमत से इसकी तुलना कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया भी जता रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल रेल टिकट फेसबुक पर पाकिस्तान रेल लवर्स नाम के पेज ने शेयर किया था। टिकट की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, आज़ादी के बाद 17 सितंबर 1947 को 9 लोगों के लिए रावलपिंडी से अमृतसर की यात्रा के लिए जारी किए गए ट्रेन टिकट की एक तस्वीर, जिसकी कीमत 36 रुपए और 9 आना थी। शायद एक परिवार भारत आ गया। ये 9 लोगों का टिकट था, यानी उस समय एक व्यक्ति का किराया करीब 4 रुपए हुआ करता था। ये रेल टिकट 17 सितंबर 1947 का है। टिकट को पेन की मदद से हाथ से बनाया गया है। उस समय कंप्यूटराइज टिकट प्रचलन में नहीं थे। टिकट नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का है। टिकट पर यह भी लिखा है कि ये AC3 कोच का है। पोस्ट की कमेंट में लोगों ने बताया कि आज़ादी से पहले पाकिस्तान वाले हिस्से में रेलवे का नॉर्थ वेस्टर्न जोन था। कुछ लोगों ने कमेंट करते हुए कहा कि टिकट पर ये टिकट किसी विदेशी नागरिक के लिए है। खैर, उस समय तो पाकिस्तान से भारत में आने के लिए आसानी से टिकट मिल जाता था, लेकिन अब प्रक्रिया काफी मुश्किल है। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। इसके बाद बड़े स्तर पर लोग पाकिस्तान से भारत आए। ये टिकट भी उन्हीं में से किसी परिवार का होगा। तस्वीर में कमेंट करते हुए लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ताराचंद नाम के यूजर ने लिखा, उस दौर में ये कीमत बहुत ही ऊंची रही होगी, कोई अमीर शख्स होंगे, आम ममालिक तो पैदल ही चलते थे। कुछ यूजर लिख रहे हैं कि ये टिकट काफी महंगा है, तो वहीं कुछ लोगों ने इसे महंगा बताया। राजेंद्र कश्यप नाम के यूजर ने कहा, टिकट आज तो सहेज कर रखने वाले बहुत बहुत बधाई। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना मंच।